हेलो व्यूवर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइट बेटर। सो गाइज, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, आज के वीडियो में हम कुछ नया चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियोज लाऊं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए। गाइज, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। सो गाइज, क्या आप भी ऐसा करते हैं? आप भी इंजन किल स्विच से अपने बाइक को ऑफ करते हैं? अगर आप में इंजन किल स्विच दिया गया है, अगर दिया गया होगा तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करते होंगे, क्योंकि मैं तो करता हूँ। और कुछ लोग चाबी से भी ऑफ करते हैं। क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि आखिर इसको चाबी से क्यों ऑफ करें, या फिर इसको इंजन किल स्विच से ही क्यों ऑफ करें? मतलब एक मन में सवाल ज़रूर आया होगा। मेरे मन में एक सवाल आया था कि जब चाबी से ऑफ हो ही सकती है तो ये इंजन किल स्विच क्यों दिया गया? ये जो रेड कलर का जो आपको बटन दिख रहा है, इसे इंजन किल स्विच ही बोलते हैं। एक और जो होता है i3s, जो कि हीरो में मिलता है, वो ब्लू कलर का होता है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो बहुत लोग उसमें भी कन्फ्यूजन करते हैं कि वो इंजन किल स्विच ही है, लेकिन वो i3s है, जो कि हीरो की बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि जब चाबी से इसे बंद कर सकते हैं तो फिर ये इंजन किल स्विच क्यों दिया जाता है? और ये सभी बाइक्स में मिलता नहीं है, जो बहुत महंगे बाइक्स होते हैं या फिर जो बड़ी बाइक्स होती हैं उनमें दिया जाता है। सो आज इसी चीज़ को सीखेंगे कि आखिर ये स्विच क्यों दिया जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में सवाल आता है कि चाबी से ऑफ करेंगे तो कहीं मेरी बाइक ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या फिर माइलेज कम तो नहीं हो जाएगा अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया या फिर इसे ऑफ कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते ज़रूर होंगे। मेरे ही मन में सवाल आया था, बट मैंने जब इस पर एनालिसिस किया, मैंने जब इसको खोजा, तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट आपके जो समय को बचाने के लिए ऐसा दिया जाता है, और कुछ इसके वजह भी है। वो क्या वजह है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, अभी जो इग्निशन ऑन है और ये इंजन किल स्विच ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे ये बंद है, इसमें हालांकि एक ही स्विच दिया गया है, स्टॉप रन एंड स्टार्ट, ये एक ही से ऑफ हो जाती है और एक ही से स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी में आपको सिर्फ यही मिलता है, और किसी किसी में आपको एक इंजन किल स्विच मिलती है और बगल में सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है नीचे में। लेकिन इस बाइक में दोनों एक ही स्विच में दिया गया है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। सो गाइस, जैसे इसमें अभी देख सकते हैं आप, इग्निशन ऑन है और ये जो है इंजन किल स्विच ऑफ है। तो इसमें क्या, बाकी जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल ऑन होती है। इससे क्या होता है कि ECU को, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, उसको समझने में आसानी होती है कि कौन से चीज़ को कितना पावर सप्लाई देना है या फिर कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है और बार बार परेशानी ना हो इसके कारण इसको लगाया गया। चलिए आगे वीडियो में समझते हैं इस चीज़ को। सो गाइज, जो भी बाइक है जिसमें इंजन किल स्विच है, उसमें क्या होता है कि आप बार बार चाबी को ऑफ ऑन नहीं करते हैं। क्योंकि देखिएगा, जैसे ऑफ किए और जब ऑन करते हैं तो ये ECU वाली बाइक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ECU को सेट होने में। जैसे कि मान लीजिए आपके एक हाथ में ग्लास दे दें और फिर एक और ग्लास दे, तो आप थोड़ा सा टाइम लेंगे ना उसको एडजस्ट करने में। ठीक उसी तरह से जब आप इसको बार बार ऑफ और ऑन करते हैं तो कुछ टाइम लेता है और थोड़ा सा मतलब समय इसमें लगता है। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ यहाँ से ऑन रखते हैं और यहाँ से ऑफ करते हैं तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि बाकी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बिल्कुल ऑन होता है। जैसे कि देख लीजिए, मीटर ऑन होगा, आगे का DRLs ऑन होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे लाइट जल रही है। और इसमें क्या होता है कि आप इसके जो पीछे के जो टेल लैंप है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा धूप है लेकिन ये भी जल रही है हल्के से। और यहाँ पे आप हॉर्न भी बजा सकते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह भी जलते हैं, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर हैं, जितने भी जहाँ पे करंट सप्लाई होना चाहिए वहाँ पे करंट सप्लाई रहता है, बशर्ते इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्लग बोलते हैं, वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इंजन किल स्विच क्या करता है, सिर्फ उसमें करंट पास नहीं करता है। और आपको पता है कि बाइक को स्टार्ट होने के लिए, या फिर जो भी है कार या बाइक जो भी आप मानिए, उसको स्टार्ट होने के लिए स्पार्क
की जरूरत होती है, स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है कि सिर्फ उसमें करंट पास होने नहीं देता है, बाकी जो आपका चीज़ है उसमें करंट पास होने देता है। तो इससे क्या है कि आपको बार बार चाबी ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है, या फिर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो उसमें आपको समय ज़्यादा नहीं लगता है। आप झट से क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फ दाबते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपने बाइक को और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके समय को बचाता है और भी बहुत सारे चीज़ों में ये हेल्प करता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इससे एक और फ़ायदा है, जैसे आपका जो इग्निशन ऑन रहता है तो बाकी सारी चीज़ें जो ऑन रहती है, क्योंकि आगे का लाइट भी जलता रहता है, DRLs और पीछे का टेल लैम्प भी जलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभार आप जब रात में कहीं रुके होते हैं का मेरा मतलब है, जैसे कहीं रोड पे आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और पीछे से जो कार या बाइक आ रही होती है, तो अगर आप चाबी ऑफ कर देंगे तो आपका लाइट भी ऑफ हो जाएगा बिल्कुल, सामने वाला भी और बैक लाइट भी, तो हो सकता है ड्राइवर को ना दिखे और आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, आपको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करता है, क्योंकि देखिए चाबी जब ऑन रहेगी तो आपका टेल लैम्प जलेगा और फ्रंट में भी आपका DRS जलता है और इंजन किल स्विच ऑफ रहता है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो पीछे वाले जो बाइक है या फिर आगे से ही कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाता है। कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे आप मानिए चढ़ाई पे रुक जाते हैं और आपके जो सामने वाला जो कार है या फिर जो बाइक है वो भी रुक जाती है, तो कभी कभी जो आगे निकलने के चक्कर में वो ढूलने लगती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि आप हॉर्न दे देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें भी आपको प्रिवेंट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं चाबी आपको बार बार अगर ऑफ नहीं करना पड़ रहा तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जिस बाइक में इंजन किल स्विच होते हैं तो ये सब चीज़ जो है आपको हेल्प करता है। आप इंडिकेटर जला सकते हैं, जैसे मानिए आप रुके हुए हैं, चाबी ऑन है और आप साइड में रुके हुए हैं, तो आप चाहें तो पार्किंग लाइट भी जला सकते हैं, आप हजार्ड भी जला सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे फीचर्स हैं और आपको कहीं ना कहीं ये समय बचाने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है कि माइलेज अच्छी नहीं होगी या फिर कुछ ख़राब हो जाएगा, तो ये सब सिर्फ भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो गाइज, होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंजन किल स्विच आखिर बाइक में क्यों दिया जाता है और इसको कब और कैसे यूज करना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।